थाना मंजुला के बुद्धिविहार निवासी आशीष कुमार पूठिया ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर भू माफियाओं से अपने मकान को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आपको बताते चले कि सुरेंद्र कुमार उर्फ फौजी, जितेंद्र बहादुर उर्फ विक्की सोनी और वीरपाल नाम के दबंग भू माफियाओं ने दिनांक 25 जनवरी 2019 को घर में घुसकर आशीष कुमार पूठिया के साथ मारपीट की और रजिस्ट्री विभाग के एक कर्मचारी अरकान के साथ मिलकर दबंगई के बल पर रजिस्ट्री सुरेंद्र कुमार के नाम करवा ली। 2019 से उक्त दबंग भू माफिया आशीष को उसी के घर में बंदी बनाकर रख रहे थे। शनिवार दिनांक 16 जनवरी 2021 को मौका मिलते ही आशीष अपने परिचितों के साथ घर पर ताला मारकर चला गया। आशीष के जाने के बाद दबंगों ने उसके मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। पैरों से अपंग आशीष ने जब अपने मकान को कब्जा मुक्त कराने और दबंग भू माफिया सुरेंद्र कुमार उर्फ फौजी, जितेंद्र बहादुर उर्फ विक्की सोनी और वीरपाल के खिलाफ एसएसपी को शिकायती पत्र दिया है और उक्त लोगों से अपने जान की सुरक्षा की मांग भी की है। उक्त दबंग माफिया थाना मंजुला में ऐसी ही प्रॉपर्टी को हत्याने का काम करते हैं जिनका कोई वारिस ना हो या परिवार का अकेला व्यक्ति हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार पुठिया है। मेरा बुद्धिविहार में मकान है 4A368, जो मेरे पापा के नाम में था। सुरेंद्र सिंह और विक्की सोनी और वीरपाल, इन तीनों ने मेरे मकान पर कब्जा किया हुआ और जो सौदा हुआ था वो 2.5 करोड़ और 2 करोड़ में हुआ था। और पैसे के नाम पर उन्होंने सिर्फ मेरे को 1.5 लाख रुपये खाते में दिया और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। और मेरे साथ मारपीट की जाती है, घर में बंद रखा जाता है। 2 साल से मुझे घर में बंद रखा हुआ है। मैं किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। सिर्फ खाना दिया जाता है मेरे को, खाना भी जो है ऐसे दिया जाता है, सिर्फ भिखारी को ऊपर से लटका के देते हैं बस। कहीं आ जाने की वो नहीं है। वो तो इत्तेफाक की बात है कि मुझे चाबी मिल गई, खुला मिल गया था, इसलिए मैं जो वहाँ से निकल के कचहरी पर आ गया था। तब मैंने अपने कुछ जानने वालों को फ़ोन करा, तब मैं तब इनके पास पहुँचा हूँ। बहुत परेशान हुए, 2 साल हो चुके मुझे। वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको बंद करा था और आपकी ज़मीन पर कब्जा करा? विक्की सोनी है। कहाँ रहते हैं ये? ये जो है शाहपुर जो चौराहा है उसके आसपास उनका कहीं घर है। इस संबंध में आपने नज़दीकी थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी? कितनी बार कर चुका हूँ सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि उनकी हर जगह सेटिंग है। आज किससे मिलने आए थे? आज मैं एसएसपी साहब से मिलने आया था। क्या चाहते हैं इस मामले में? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अकेला हूँ, घर में और कोई नहीं है मेरे पास। मेरे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है।